Dear students, in this period, I will teach you about silent letters. The silent letters come in a word and complete the spelling of the word. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में मैं आप लोगों को मूक वर्ड जो होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में साइलेंट लेटर्स कहते हैं, उनके बारे में पढ़ाऊंगा। और ये जो मूक वर्ण है, कहना चाहिए, ये किसी शब्द में उसकी वर्तनी या उसकी हिज्जे पूरे करने के लिए आते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द एक्सरसाइज इन योर वर्क बुक ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 12th। आफ्टर देन We will solve this exercise on the whiteboard, which is I have written in this whiteboard. Students, this is the exercise. It is given in your workbook of English of class 12th. Here you are seeing lesson 1, teach me to listen, Lord. Vidyarthiyo, यह आपकी workbook है कक्षा 12वीं की अंग्रेजी की। इसमें आप जो अभ्यास उसको यहाँ देख रहे हैं, और यह lesson 1 और ये जो एक्सरसाइज है, ये वर्ड पावर के अंतर्गत यहाँ पर दी गई है। नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस एक्सरसाइज ऑन द व्हाइट बोर्ड। लेट्स गो ऑन द व्हाइट बोर्ड। तो विद्यार्थियों, अभी हमने आपकी वर्क बुक में उस एक्सरसाइज को देखा, अब हम उसी एक्सरसाइज को, अभ्यास को इस व्हाइट बोर्ड पर हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बता दूं आपको कि यह जो एक्सरसाइज है, या आपकी जो वर्क बुक है कक्षा 12वीं की अंग्रेजी की, उस वर्क बुक में सेकंड एक्सरसाइज दी गई है बी नंबर पर, ठीक है। और विद्यार्थियों, इस एक्सरसाइज को हल करना क्यों अनिवार्य है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको यदि अंग्रेजी में सफल होना है, यदि आपको स्ट्रांग बनना है, अंग्रेजी में आपकी पकड़ अच्छी हो, तो आपको प्रत्येक अभ्यास को, प्रत्येक एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए और उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। क्योंकि यह जो एक्सरसाइज है, यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, या इससे संबंधित कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपको अपनी जो अंग्रेजी भाषा है उस पर पकड़ बनाने के लिए, मजबूती लाने के लिए आपको ऐसे अभ्यासों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अंग्रेजी भाषा में ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिनमें साइलेंट लेटर दिए हुए होते हैं, अर्थात मूक वर्ण दिए हुए होते हैं। हम जब उस वर्ड को पढ़ते हैं या उसका उच्चारण करते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उस समय हम उस मूक वर्ड का, मूक लेटर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जो डायरेक्शन दिया है बी नंबर पे, उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम एक्सरसाइज को हल करेंगे, ठीक है। साइलेंट लेटर्स कैन बी अ प्रॉब्लम, हिंदी में अर्थ क्या होगा इसका, कि मूक वर्ण में समस्या हो सकती है, मूक वर्णों में समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। हियर इज अ वर्ड, यहां पर एक शब्द है डाउट, डी ओ यू बी टी, हैविंग लेटर बी साइलेंट, यहां पर जो बी वर्ण है वो कैसा है, साइलेंट है, मूक है। अब देखिए, मैं जैसे कि मैंने बोला डी ओ यू बी टी, यह इसकी वर्तनी या स्पेलिंग हुई, किंतु जब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन किया, इसका जब उच्चारण करूंगा, तो क्या बोलूंगा, डाउट। तो यहां पर बी जो है, बी का मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूं, इसलिए यहां पर बी क्या है, साइलेंट लेटर है। कैन यू अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स, क्या आप रेखांकित कर सकते हैं साइलेंट लेटर्स को, अर्थात मूक वर्णों को आप रेखांकित कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वर्ड, दिए गए शब्दों में। तो सीधी सी बात यह है कि इस एक्सरसाइज में यह कहा गया है कि मूक वर्णों में समस्या हो सकती है, जैसा कि यहां एक शब्द डाउट दिया हुआ है जिसमें बी साइलेंट लेटर है। आप क्या नीचे दिए गए शब्दों में साइलेंट लेटर्स के नीचे जो वर्ण है उसके नीचे रेखा खींच सकते हैं? तो यहां पर आपको यह करना है, केवल इतनी एक्सरसाइज है। तो इसको देने के पीछे मकसद यह है कि आप ऐसे वर्डों की पहचान कर सके जो, जिनमें साइलेंट लेटर दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द हम यहाँ पढ़ते हैं वो क्या है, पी एस वाई सी एच आई सी, इसमें क्या है, इसके जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइकिक, क्या होगा, साइकिक।
फिर से पढ़ रहा हूँ, पी एस वाई सी एच आई सी, तो क्या होगा साइकिक। तो अब यहाँ देखिए सामने जो पी दिया हुआ है तो पी का हम प्रोनंसिएशन में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब हम उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं हमारे मुंह से, हम क्या बोल रहे हैं साइकिक। यहाँ एस से शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर क्या है जो पी है वो क्या है साइलेंट है, हम उसका उच्चारण उसका प्रोनंसिएशन नहीं करते हैं। सेकंड वर्ड पे जाए इसके पहले आपको इसका हिंदी में अर्थ भी बता देते हैं कि साइकिक का मतलब होता है मानसिक संबंधी, मन स्थिति संबंधित, या कभी कभी इसका अर्थ आध्यात्मिक तर्विज से भी लिया जाता है, पर विशेष तौर से साइकिक का मतलब होता है मानसिक, मानसिक रूप से हम ये कह सकते हैं। अब सेकंड वर्ड जो है वो है सी ओ एम बी। अब यहां सी ओ एम बी तो कभी कभी कुछ विद्यार्थी क्या है इसका जो प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं कोम्ब, तो ये उच्चारण गलत है, इसका उच्चारण क्या होगा कोम। यहां पर जो बी है बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं, हम क्या बोलेंगे केवल कोम। जैसे इसको अगर मैं यहां हिंदी में लिखूंगा साइकिक, ये साइकिक ऐसा हो जाएगा हिंदी में हमने लिखा दो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा कोम कोम। यहां बी क्या है साइलेंट है, ठीक है, और कोम का मतलब क्या होता है कोम यानी कंघी, या कंघी करना भी होता है, एक क्रिया की तरह भी इसका उपयोग कर सकते हैं वर्ब की तरह, और एज अ नाउन भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कोम यानी कंघा या कंघी होता है। चलिए तीसरा जो वर्ड है उस पर चलते हैं, तो वो क्या है एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट। यहां इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या कर रहे हैं ऑनेस्ट, मैं लिख देता हूं हिंदी में ऑनेस्ट, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एच है इस एच का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, इसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ विद्यार्थी इसको हॉनेस्ट कहते हैं तो वो गलत उच्चारण है, आपको ये याद रखना है इसका उच्चारण क्या होगा ऑनेस्ट, जैसा कि मैंने यहां पर लिख के भी रखा है ऑनेस्ट, ठीक है। और ऑनेस्ट का मतलब आपको पता है ऑनेस्ट यानी ईमानदार, या एक एडजेक्टिव है विशेषण शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड पर चलते हैं वो क्या लिखा है सी एच आर आई एस टी एम ए एस। अब हमने इसकी वर्तनी पढ़ी अर्थात इसकी जो हिज्जे एनर्जी वो हमने उसको की, ठीक है। अब हम इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है, इसकी स्पेलिंग करके देखते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या होगी क्रिसमस, इसको क्या बोलेंगे क्रिसमस। क्रिसमस अर्थात ये ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर मतलब क्रिसमस मनाया जाता है, तो क्रिसमस शब्द का यहां उच्चारण कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे टी जो है इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे, इसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं, हम केवल यहां पर जो वर्तनी कर रहे हैं चाहिए या स्पेलिंग कर रहे हैं वो केवल सी एच आर आई एस और एम ए एस की कर रहे हैं क्रिसमस, ठीक है। तो यहां पर टी क्या है एक साइलेंट लेटर है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, क्या होगा नॉलेज, क्या होगा नॉलेज। अब नॉलेज में यहां पर के जो है हम के का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, इसकी वर्तनी नहीं कर रहे हैं, यहां शुरुआत कर रहे हैं के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई। और दूसरी बात आप यहां पर देखेंगे डी भी जो है डी का भी हम यहां पर उच्चारण नहीं कर रहे हैं, उसकी स्पेलिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहां देखिए दो जो लेटर है इसमें नॉलेज में के और डी, ये दोनों क्या है साइलेंट लेटर है, और नॉलेज का मतलब आपको पता है ज्ञान, ठीक है। फिर जो लास्ट वर्ड इसमें दिया आपकी एक्सरसाइज में दिया है एफ ए आर एम, एफ ए आर एम। अब यहां पर दिया है एफ ए आर एम, जब हम इसका स्पेलिंग करेंगे इसका जो उच्चारण जब हम करेंगे है ना प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो क्या होगा थाम, क्या होगा थाम, इसको मैं लिख देता हूं थाम। यहां पर जो र है मतलब आर है इसका हम उच्चारण नहीं करते हैं, अतः यहां पर क्या है आर जो है वो क्या साइलेंट लेटर है। अब इसको क्या लिखना था जो हमने लिखा नहीं, मैं लिख के बता देता हूं नॉलेज ये हो जाएगा और इसका क्रिसमस। तो इस तरह देखिए यहां पर जो आपके एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 6 जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, आपकी जो वर्कबुक है उसमें आप उसमें निशान लगा सकते हैं, उसमें इंगित कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं कौन से लेटर साइलेंट हैं, ठीक है।
अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको अंग्रेजी पे अच्छी पकड़ हो इस हेतु अन्य शब्द भी जो हैं जिनमें की साइलेंट लेटर्स दिए गए हैं उनको यहाँ पर लिख के रखा है, उसको भी आपको बता दूं ताकि आपका अभ्यास बना रहे और आप भी ऐसे शब्दों पर पॉइंट आउट कर सके कि इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है। यहां देखेंगे सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है, डी ई बी टी। अब इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो करेंगे डेट, डी ई बी टी। तो यहां पर जो बी है बी का हम उच्चारण नहीं करेंगे तो इसका जो प्रोनाउंसेशन होगा डेट, ठीक है। और डेट का मतलब होता है ऋण, ठीक है, या कर्ज। तो यहां पर जो बी है वो साइलेंट है। सेकंड वर्ड पे चले तो इसमें देखेंगे डी यू एम बी, डी यू एम बी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डम। क्या होगा, डम। कई बार क्या होता है कुछ विद्यार्थी इसको डायरेक्ट डम्ब बोलते हैं, डम्ब गलत है, वो है डम। तो यहां पर जो बी जो है ये भी क्या है, साइलेंट लेटर है। और डम का मतलब क्या होता है, गूंगा। डम यानी गूंगा, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता। फिर आगे चलेंगे, देखिए टी एच यू एम बी, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा थम, थम, टी एच यू एम बी, थम्ब नहीं होगा। कई लोग क्या है थम्ब करके उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा थम। और थम का मतलब क्या होता है, थम यानी अंगूठा, थम यानी अंगूठा, ठीक है। अगला देखिए एल ए एम बी, एल ए एम बी क्या होगा, लेम, यहां लिख देते हैं लेम, ये होगा। यहां पर भी बी जो है वो क्या है, साइलेंट है, इन दोनों में साइलेंट था। यानी कुल मिला के एक दो तीन चार जगह जो है हमने देखा बी साइलेंट है। और लेम का मतलब क्या होता है, लेम यानी भेड़ का बच्चा, या जिसे हम मेमना कहते हैं, ठीक है, वो होता है लेम। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एस सी ई एन ई, सीन, एस सी ई एन ई, सीन। सीन का मतलब होता है दृश्य, और यहां पर क्या जो सी है वो कैसा है, साइलेंट है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे हम, अच्छा सीन का मतलब दृश्य समझ गए। अब अगला जो वर्ड है वो देखेंगे बी एल ए सी के, ब्लैक, देखिए ब्लैक। तो यहां पर जो सी है ये भी कैसा, साइलेंट है, और ब्लैक यानी काला, आपको पता है। अगले वर्ड पे चले तो डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, वेनसडे। कुछ बच्चे या कुछ विद्यार्थी जो है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, वेडनसडे कहते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वेनसडे, वेनसडे, इस प्रकार आप उच्चारण करें, प्रोनाउंसिएशन इसका करें। और वेनसडे का मतलब क्या होता है, बुधवार, ठीक है। तो यहां पर जो है डी जो है ये कैसा है, साइलेंट है, वहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है ई डी जी ई, यहां पर भी डी साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इज, यहां पर डी क्या है, साइलेंट है। इज का मतलब हिंदी में होगा धार या तेज करना या बढ़ाने से आशा इसका, ठीक है। तो यहां पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इज, और डी क्या होगा, साइलेंट होगा, ठीक है। आगे चले अब देखते हैं एफ ओ आर ई आई जी एन, फॉरेन, फॉरेन, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो जी है वो कैसा है, साइलेंट है, ठीक, मुख है इसका, हम यहां प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। फॉरेन का मतलब होता है विदेश। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एस आई जी एन, साइन, साइन, यहां पर भी जी क्या है, साइलेंट है, और साइन का मतलब क्या होता है, संकेत, क्या होता है, संकेत। फिर आगे दिया है अगला वर्ड आवर, एच ओ यू आर, आवा। यहां देखिए आवा में ऐसा, और यहां पर ये लगा देते हैं, इसमें आर भी क्या होता है, साइलेंट होता है, और एच भी साइलेंट होता है। आवा इसका उच्चारण केवल ऐसे करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, कुछ लोग आवर भी बोल सकते हैं ऐसा करके, परंतु यहां विशेष तौर पर एच जो है वो क्या है, साइलेंट है। हालांकि ब्रिटिश इंग्लिश में आर भी साइलेंट होता है। आवर यानी घंटा, आवर यानी घंटा, ठीक। इसके बाद आगे चलें तो ई सी एच ओ, ई सी एच ओ, यहां देखिए इको, इको का मतलब होता है ध्वनि, प्रतिध्वनि, गुंजा, ठीक है, गुंजायमान होना या गुंजित होना इसका अर्थ होता है।
तो यहां पर देखिए, यहां पर भी एच क्या है, साइलेंट है, ई को, ठीक है, ई सी एच ओ। आगे देखिए हम, तो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, के एन डबल ई, इसका प्रोनाउंसेशन होगा नी। यहां पर जो के है वो कैसा है, साइलेंट है, ठीक है, तो यहां पर जो के का प्रोनाउंसेशन नहीं हो रहा है, उसका उच्चारण नहीं हो रहा, केवल एन डबल ई का उच्चारण नी, और नी का मतलब होता है घुटना, आपको पता है। इसी प्रकार अगले जो वर्ड पे हम चले, नेक्स्ट वर्ड पे चले, तो वो क्या है, के एन आई एफ ई, नाइफ, इसका प्रोनाउंसेशन होता है नाइफ। यहां पर भी के जो है वो कैसा है, साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसेशन हम नहीं करते, नाइफ यानी होता है चाकू, ठीक है। अगले जो वर्ड को हम देखेंगे, के एन ओ टी, नॉट, यहां पर भी जो के है वो कैसा है, साइलेंट है, और नॉट का मतलब होता है गठान, गठान बांधना, ठीक है, एज अ वर्ब और एज अ नाउन की तरह इस वर्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के एन आई टी, नेट, यहां पर भी इसका प्रोनाउंसेशन क्या होगा, नेट, यहां पर भी के जो है वो साइलेंट है, और नेट का मतलब होता है बुनना, चाहे स्वेटर बुने या साड़ी बुने, कुछ भी बुने, उसको हम बुनने के लिए हम नेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सी ए एल एफ, कॉफ, यहां पर देखेंगे सी एल एफ कॉफ, तो यहां पर जो एल है वो कैसा है, साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसेशन होगा कॉफ, और कॉफ का मतलब होता है बछड़ा, काय का बछड़ा, कॉफ। नेक्स्ट वर्ड चले तो यहां देखिए एच ए एल एफ, हाफ, यहां पर भी क्या है, एल जो है साइलेंट है, तो यहां पर हाफ, इसका प्रोनाउंसेशन हाफ यानी होता है आधा, ठीक है। इसी प्रकार सी ए एल एम, काम, यहां पर भी एल क्या है, साइलेंट है, और काम का मतलब होता है शांत, ठीक है, तो यहां पर सी क्या है, इसका जो प्रोनाउंसेशन क्या होगा, काम, और यहां पर एल क्या है, साइलेंट है। यहां देखिए नेक्स्ट वर्ड में ए यू टी यू एम एन, ऑटम, ऑटम, यहां पर जो एन है वो कैसा, साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसेशन नहीं होता है, तो ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु या शरद, ठीक है। इसी प्रकार देखिए सी ओ एम डी ई एम एन, कंडेम, कंडेम का मतलब निंदा करना या दोष लगाना या दोषी ठहराना, ये आशा है, इसका प्रोनाउंसेशन क्या होगा, कंडेम जी। यहां पर भी एन क्या है, साइलेंट लेटर है। आगे देखें नेक्स्ट वर्ड पी एन ई यू एम ओ एन आई ए, इसका प्रोनाउंसेशन होगा निमोनिया, आपने बीमारी का नाम सुना होगा, निमोनिया, निमोनिया, जो कि फेफड़े की बीमारी होती है। यहां पर देखेंगे आप पी जो है, पी साइलेंट लेटर है, यहां पर इसका प्रोनाउंसेशन नहीं होता है, ठीक है, निमोनिया फेफड़े संबंधित बीमारी होती है। नेक्स्ट वर्ड चले तो आई एस एल एन डी, आईलैंड, इसका प्रोनाउंसेशन क्या होगा, आईलैंड, आई लैंड, आईलैंड का मतलब होता है द्वीप, और यहां पर जो एस है ये क्या है, एक साइलेंट लेटर है, मूक वर्ण है। अगले वर्ड पे चले तो यहां पर देखो आईलेट, आई एस एल ई टी, आईलेट, आईलेट यानी होता है टापू अर्थात छोटा सा द्वीप, यानी जो टापू होता है उसे हम आईलेट कहते हैं, तो यहां पर जो है एस क्या है, साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसेशन होगा आईलेट, ठीक है, आईलेट, आईलेट मतलब टापू या छोटा सा द्वीप। नेक्स्ट वर्ड पे चले, दिखाए सी ए एस टी एल ई, इसका होगा कैसल, और कैसल का मतलब होता है महल, दुर्ग, किला, ये होता है कैसल, ठीक है। तो यहां पर जो टी है कहना चाहिए, टी साइलेंट लेटर है, इसका हम प्रोनाउंसेशन यहां पर नहीं कर रहे, जैसा कि आप देख रहे हैं कैसल। इसी प्रकार एल आई एस टी एन, लेसन, लेसन, अब लेसन में यहां पर टी देखेंगे, यहां पर ये क्या है, साइलेंट है, इसका हम प्रोनाउंसेशन नहीं कर रहे हैं, इसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं, इसलिए टी क्या है, साइलेंट है, लेसन यानी सुनना। नेक्स्ट वर्ड पे चले तो ओ यू जी एस टी, ऑट, ऑट का मतलब होता है कर्तव्य पालन करना या चाहिए से आशा इसका होता है, तो यहां पर देखिए ओ यू जी एस टी ऑट, तो आप यहां पर देख रहे हैं जो यू है वो क्या है, साइलेंट है, ओ यू जी एस टी ऑट, ठीक है, तो यहां पर इसका जो प्रोनाउंसेशन है वो क्या होगा, ऑट, तो ओ से ही आ गया, यू का कोई यहां पर हम प्रोनाउंसेशन नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार यहां देखिए जी यू एस टी, गेस्ट, गेस्ट, यहां पर भी यू क्या है, साइलेंट लेटर है,
इसका हम यहाँ पर प्रोनाउंसेशन नहीं कर रहे हैं। इस तरह आप देखेंगे नेक्स्ट वर्ड में जी यू ए आर डी गार्ड, गेस्ट का मतलब आपको पता है गेस्ट है ना मेहमान, और गार्ड यानी होता है रक्षक, जो किसी की रक्षा करे उसको हम गार्ड कहते हैं। तो गार्ड में जो यू है कहना चाहिए, ये यू है वो कैसा साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसेशन नहीं कर रहे हैं। यहां पर गार्ड इस प्रकार, यहां से आर भी जो है वो साइलेंट है, वो हालांकि ब्रिटिश इंग्लिश में आर का जो प्रोनाउंसेशन बहुत कम होता है। तो यहां गॉड, ठीक है, तो गॉड मतलब होता है रक्षक, या इसको हम अगर इंडियन इंग्लिश की हम बात करें तो गार्ड ऐसा भी लिख सकते हैं, परंतु यहां पर जो यू है वो विशेष तौर से साइलेंट है, ठीक है, गार्ड का मतलब रक्षक। नेक्स्ट वर्ड देखें तो वो है डब्ल्यू आर ए पी रैप, डब्ल्यू आर ए पी रैप, रैप का मतलब होता है लपेटना, क्या होता है लपेटना। तो यहां पर जो डब्ल्यू है वो कैसा है साइलेंट लेटर है, उसका हम प्रोनाउंसेशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड में देखेंगे डब्ल्यू आर आई एन के एल ई रिंकल, यहां पर भी हम देखो प्रोनाउंसेशन क्या कर रहे हैं रिंकल रिंकल, यहां पर डब्ल्यू जो है इसका हम प्रोनाउंसेशन नहीं कर रहे हैं, और रिंकल का मतलब होता है झुर्रिया, व्यक्ति के चेहरे में शरीर में जो झुर्रियां आती है उसे हम रिंकल कहते हैं। और जो अंतिम मैंने वर्ड लिखा है वो है आंसर ए एन एस डब्ल्यू ई आर, तो यहां पर आप देख रहे हैं डब्ल्यू जो है वो साइलेंट है, यहां पर आंसर यहां ए एन एस और फिर डब्ल्यू ई आर, तो यहां ए एन एस और ई आर से ही आंसर बन जाता है, यहां पर डब्ल्यू का हम उच्चारण नहीं करते हैं। और यहां ब्रिटिश इंग्लिश की हम बात करें जब भी जो आर आता है उसका हम प्रोनाउंसिएशन जो है वो नहीं करते, इसको कहते हैं आंसर। अगर हम ऐसा ब्रिटिश इंग्लिश में लिखेंगे तो आंसर और हल्का सा इसमें मतलब कहना चाहिए आगे बढ़ा के आंसर बोलते हैं उसे आंसर, या अगर हम इंडियन इंग्लिश में बात करें तो हम आंसर भी बोल सकते हैं, परंतु यहां पर जो डब्ल्यू है वो साइलेंट लेटर है और आंसर का मतलब होता है जवाब या उत्तर। तो विद्यार्थियों आज के इस कालखंड में मैंने आप लोगों को जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिसमें कि साइलेंट लेटर्स आते हैं उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। और यदि आप इस एक्सरसाइज का पर्याप्त अभ्यास करते हैं या इसी तरह से आपकी जो वर्कबुक है टेक्स्ट बुक है उस पर पर्याप्त अध्ययन करते हैं उसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर से अंग्रेजी पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। मुझे आशा है कि आज की ये जो जानकारी है जो आज का कालखंड है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण के साथ में मैं आपसे पुनः मिलूंगा, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।